हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे GC2 रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो ये आपका योर असेसमेंट कैन बी आइदर बी हैंड रिटन और कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक। चाहे तो आप टाइपिंग करके भी बना सकते हैं या आप लिख के भी बना सकते हैं। तो अभी नया सिलेबस आने के चलते लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि GC2 रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। GC1 जो है एक थ्योरेटिकल पेपर है। पहले GC2 भी एक थ्योरेटिकल पेपर था और GC3 एक प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी GC2 और GC3 मिला के ओनली GC2 रह गया है, जिसमें कि आपको रिपोर्ट सबमिट करने हैं। तो देखा जाए तो पहले से ये हल्का हो गया है, क्योंकि अभी एक ही थ्योरी पेपर जाके आपको एग्ज़ाम देने हैं और दूसरा केवल रिपोर्ट है। लेकिन आपको सही से रिपोर्ट लिखने आना चाहिए, क्योंकि इसमें पास और फेल की संभावना ज़्यादा है। रिपोर्ट आपका सही ना हो तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो पास नहीं तो फेल, यानी कि उसका जो मिनिमम असेसमेंट की जो क्रिटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, और कैसे इसको बनाए, एक इसका देखेंगे प्रोफाइल कैसे रहता है इसका, क्या कितने उसके टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर में, और क्या क्या लिखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है इसको कैसे ले और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्रिटेरिया चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में कि पहला जो पेपर है वो मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है, यानी कि जिसका लेक्चर मैं बना रहा हूँ और लगभग 3 यूनिट तक बनाया भी हूँ, उसको कंटिन्यू रखूँगा और इन तक ले जाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, वो मैंने देखा कि ओल्ड और न्यू सिलेबस के कंटेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस वाला भी हमारा लेक्चर देखते हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगा, लेकिन मैं न्यू सिलेबस भी कंटिन्यू बना रहा हूँ। तो NGC1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, NGC2 जो कि जिसमें रिस्क असेसमेंट है। तो क्वेश्चन पेपर पहला NGC1 क्वेश्चन पेपर टाइप का है, जो कि 2 आवर्स का होगा, और NGC2 प्रैक्टिकल असेसमेंट है, जो कि 3 आवर्स का होगा। ये आपको खुद जो है बनाने हैं इसको, ऐसा कहीं ऐसा टाइमिंग नहीं है कि आप जो है क्लासरूम में बैठ के बनाने हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, आपको वर्क प्लेस जाना है और विद इन 3 आवर्स में कंप्लीट होना है। लेकिन ऐसा भी कोई वहाँ पे बर्डन नहीं रहेगा कि आपको 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है 3 आवर्स का। तो आप अपने इच्छा अनुसार इसमें 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप लगा सकते हैं, जो भी आपको टाइम मिलेगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उस विद इन टाइम आपको ये करना है। तो IGC1 यानी कि ये पास होने के लिए आपको 45 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि ये GC2 जो कि प्रैक्टिकल है उसको पास होने के लिए आपको जो मिनिमम क्रिटेरिया है उसको फुलफिल करना है, और जिसमें कि आप जो है या तो आपको मस्ट पास होना है, अदरवाइज आप उससे कम लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये इसमें है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग IGC2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए IGC2 ये NG2 इस तरह का है नाम, आप इससे कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो ब्रिटेन में चलता है उसको नेशनल जनरल सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जो आउट ऑफ ब्रिटेन यानी कि इंटरनेशनल में चलता है उसको IGC बोलते हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो है ये 4 स्टेप में टोटल कम्प्लीट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, इस फिगर में 1, 2, 3, 4, जैसा देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 स्टेप है, जिसे ये 4 स्टेप में ये क्लियर होना है। यानी कि पहला आपको क्या करना है, पहला जो है जो इसका फॉर्मेट है उसको लेना है, और या फॉर्मेट नहीं भी लेते हैं तो आपको अपने कॉपी पेन पे करना है, फिर आप उस फॉर्मेट में फिलअप कर सकते हैं। तो उस फॉर्मेट में आपको जो है बाद में बताऊंगा, और हो सकता है कि इसका लिंक भी आपको शेयर करूँगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड, यानी कि आपको जहाँ पे भी आप जाके ये रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं GC रिपोर्ट, तो ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी, और क्यों कर रहे हैं,
तो इस तरह का आपको एक देना पड़ेगा आइडिया, मैं बताऊंगा इसको डिटेल्स में। दूसरा है रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट जैसे जानते ही हैं कि आइडेंटिफाई हजार्ड, हु माइट बी हार्म, हाउ, और आपको जो है उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, कंट्रोल मेजर, और उसको प्रायोरिटी टाइम देना है, और साथ में रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, ये तो ये रिस्क असेसमेंट में होगा। फिर उसमें प्रायोरिटाइज थ्री एक्शन विथ जस्टिफिकेशन, आपको तीन जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हाई रिस्क का हो, बहुत ज़रूरी हो, नेसेसरी हो कि उसको करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। और लास्ट में है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। तो ये चार पार्ट है इसके। तो अगर आप चारों पार्टों को अगर अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आई थिंक आप जीसी रिपोर्ट अच्छे से बना पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं, जैसा कि इसमें हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड। इसमें आपको जो है द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपल्सरी देना है। साइट लोकेशन यू डोंट नीड टू गिव फुल एड्रेस, कैप उसकी प्राइवेसी को आप चाहें तो सीक्रेट रख सकते हैं, उसका साइट लोकेशन आप दे दीजिए, और जनरल एक उसका जो एड्रेस है वो दे सकते हैं, स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है। चाहें तो किसी कंपनी का नाम छुपा भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके रिपोर्टेशन का सवाल हो, तो आप जो है इसको छुपा भी सकते हैं। जो थर्ड नंबर है, हाउ मैनी वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाई द ऑर्गेनाइजेशन, कितने वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ जिस डिपार्टमेंट का या जिस कंपनी का आप असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ कितने वर्कर्स हैं। ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मस्ट इंक्लूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, सर्विस प्रोवाइडेड, द टाइप ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन एंड शिफ्ट पैटर्न वर्क, ये सब आपको देने हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या सर्विस दी जा रही है, और किस तरह का एक्टिविटी वहाँ चल रहा है, और शिफ्ट वाइज चल रहा है या जनरल शिफ्ट में चल रहा है, इसका पैटर्न भी आपको देना है, कब से कब चल रहा है। यानी कि आपको फुल डिस्क्रिप्शन देना है उस ऑर्गेनाइजेशन का। और फिफ्थ जो है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट, यानी कि उस एरिया का डिस्क्रिप्शन देना है आपको। एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे हु हैज़ द डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे की हेल्थ एंड सेफ्टी की, जैसे वहाँ का जो भी हेड रहेगा, जो भी मैनेजर रहेगा, तो आप जिसको वहाँ पर देखते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है आप उसको लिख सकते हैं। इफ़ यू फील देयर इज नथिंग रिलेवेंट हियर, यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड दिस इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये आप सिक्स पॉइंट जो आपने देखा, इसमें ये सिक्स पॉइंट जो है आपको इंक्लूड होने चाहिए उस जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड में, तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। मैं आपको एग्जांपल भी देके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वही चीज़ मैं यहाँ भी दिखाने की कोशिश किया हूँ कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइट लोकेशन, हाउ मैनी वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जनरल डिस्क्रिप्शन जो आपको बताया, वही सेम चीज़ यहाँ पे है, एक टेबल में यहाँ पे टेबुलेट किया गया है। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, यानी कि रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट जो है, अब रिस्क असेसमेंट कैसे पूरा करें, जो कि सेकेंड स्टेप है। तो रिस्क असेसमेंट पूरा करने के लिए आपको इसमें 10 डिफरेंट हजार्ड होने चाहिए आपके, 10 डिफरेंट हजार्ड दैट आर टेकन फ्रॉम एट लीस्ट 5 डिफरेंट कैटेगरी। 5 कैटेगरी के हजार्ड से आपको कम से कम 10 जो है आपको डिफरेंट हजार्ड से लेने हैं। जैसे आइए कैटेगरी के बारे में जानते हैं। आपने जो पढ़ा होगा, जब आप GC 2 पढ़े, जो बुक पढ़ेंगे उसका पूरा, तो आपको मिलेगा कि ये सारे उसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नॉइस है, वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, ये आपको वर्क रिलेटेड ये सब क्या है, कैटेगरी है। इसमें से आपको चुनना है कि किस तरह का हजार्ड है, जैसे कि हेल्थ, वेलफेयर, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, ये क्या है, कैटेगरी है। इसके बहुत सारे हजार्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं, वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी, फायर, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कोई भी हजार्ड, जैसे एक आदमी जो है बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहा है हाइट पे, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, वर्क एट हाइट, तो ये कैटेगरी हो गया। लेकिन ए पर्सन वर्किंग ऑन अबव 2 मीटर विदाउट सेफ्टी बेल्ट, ये क्या है, आपको 1000 हो गया। तो आप जैसा कि आप इसमें, मैं आपको बता दिया कि ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के अंदर ही होने चाहिए, यानी कि ये कैटेगरी है। मिनिमम 5 कैटेगरी में से 10 डिफरेंट हजार्ड आपको चुनना है, अगर पास होना है तो मिनिमम 10 डिफरेंट हजार्ड आपको चुनने हैं। और
कैसे भरने हैं इसको। तो आप जैसा कि आप रिस्क असेसमेंट जानते हैं, मैंने आपको आईजीसी 1 में भी पढ़ाया था कि रिस्क असेसमेंट के कितने किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे रिस्क असेसमेंट, तो सबसे पहला था हजार्ड कैटेगरी एंड हजार्ड, यानी कि आपको क्या करना है आइडेंटिफाई द हजार्ड। जब तक आप हजार्ड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक कैसे आप आगे पता करेंगे, तो ये ज़रूरी है। तो मैंने उसके टेक्निक भी बताए थे हजार्ड आइडेंटिफाई करने के, लेकिन यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सबसे पहले लिखना है पहला कॉलम में है हजार्ड कैटेगरी एंड हजार्ड, कैटेगरी पहले डालना है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई हाइट पे काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई केबल कटा हुआ है तो उसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो गया एक कैटेगरी हो गया। उसके बाद क्या है तो ए डैमेज केबल फाउंड ऑन द रोड, एक आपने लिख दिया, ये क्या हो गया हजार्ड हो गया। पहला हुआ हजार्ड कैटेगरी, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला कॉलम में ये हजार्ड कैटेगरी, दूसरा क्या हुआ हजार्ड, तो ये आपने लिख दिया। जैसे कि आप इसको अगर एग्जांपल में समझाऊं तो वर्क एट हाइट ये हजार्ड की कैटेगरी है, और पीपुल एंड और आइटम फॉलिंग इन टू द इंस्पेक्शन पिट वाइल्स वर्क इज बींग कैरिड आउट इन दिस एरिया, ये क्या है एक हजार्ड है जो कि वहाँ का सिचुएशन है। अब इससे कौन इफेक्टेड होगा, यानी कि हु माइस्ट बी हार्म्ड एंड हाउ, तो इसके कौन इफेक्टेड होंगे, तो एनी वन वर्किंग इन और अराउंड द इंस्पेक्शन पिट, जो उस पिट के आसपास में काम करेगा वो उसमें गिरने का चांस है, फॉलिंग का चांस है। तो ये लिखा, और उसके बाद सेकेंड जो इसमें है वो है हाउ, हाउ के बारे में लिखेंगे। तो हाउ के बारे में कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ गैप दे दिया और हाउ के बारे में लिखा कि लाइकली इंजुरी इंक्लूड ब्रूसिंग स्पेन स्ट्रेन फ्रैक्चर और मोर सीरियस इंजुरी हेड इंटरनल इंजुरी ओस्ट केस डेथ, दिस टाइप्स ऑफ इंजुरी आर लाइकली टू बी लाइफ चेंजिंग एंड इन्वॉल्व द वर्कर्स बींग इन द कॉन्स्टेंट कंसिडरेबल पेन, द वर्कर मे नो लॉन्गर बी एबल टू वर्क आफ्टर सच ए फॉल, नीड टू रिलाई ऑन फैमिली फ्रेंड्स फॉर कॉन्स्टेंट केयर। तो इस तरह का देखा आपने कि पूरा का पूरा यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप भी अपने जो इमेजिनेशन है उसके द्वारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ये इमेजिनेशन ही है। तो जैसा कि आप GC2 में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंसिक्वेंस होता है, वही कंसिक्वेंस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो कॉलम है वो है कॉलम 3, व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी कंपनी चल रही है तो वहाँ पे प्रिकॉशन नहीं होगा, ऑलरेडी समथिंग वहाँ पे कंट्रोल मेजर होगा। देन आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि पहले से क्या कंट्रोल मेजर हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, यानी कि पहले से वहाँ पे क्या सिस्टम है। व्हेन द इंस्पेक्शन पिट इज इन यूज द एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, ये पहले से है वहाँ पे। बाय यूज द बैरियर फॉर दोज वर्किंग नियर द एरिया, ऐसा पहले से वहाँ सिस्टम है। फिक्स्ड स्टेयर टू अलाउ सेफ एक्सेस एंड इग्रेस टू द इंस्पेक्शन पीट, ये यहाँ पे सिस्टम है, पहले से सीढ़ी लगी हुई है। इंस्पेक्शन पीट इज कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि पीट को कवर किया जा रहा है जब यूज में नहीं हो रहा है। लोन वर्किंग इज नॉट अलाउड इन द इंस्पेक्शन पीट, देयर आर ऑलवेज एट लीस्ट 2 पीपल वर्किंग इन द एरिया। तो ये सारे वहाँ पे पहले से ही एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं। द वर्कशॉप मैनेजर रेगुलरली मॉनिटर द यूज ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट एंड वर्क इन द इंस्पेक्शन पीट, यानी कि ये इतना काम तो पहले से हो रहा है। आपको जानना चाहिए हर कंपनी में कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर होते हैं, ऐसा नहीं कोई कंपनी जो है बिना प्रिकॉशन के बिना कंट्रोल मेजर के चल रही है। तो अब आप वहाँ पे एक खतरा पाया, तो अब आप क्या फर्दर कंट्रोल मेजर्स लेना है आपको, तो ये चौथे कॉलम में फोर्थ कॉलम में यू हैव टू राइट हियर। तो क्या लिखना है आपको, तो फर्दर कंट्रोल मेजर में और क्या चाहिए, आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं, तो परचेज ए मोबाइल ब्रिज टू अलाउ मशीन टू बी एबल टू सेफ एक्सेस बोथ साइड बाय द इंस्पेक्शन पीट व्हेन वर्किंग एट ग्राउंड लेवल। और दूसरा क्या कर रहे हैं आप, तो ऐड द ब्रिज इन टू द मेंटेनेंस शेड्यूल, नीड टू बी इंस्पेक्टेड एट लीस्ट एवरी 6 मंथ। और उसके बाद क्या है, अरेंज फॉर ऑल वर्कर्स टू बी ट्रेंड इन हाउ टू यूज द ब्रिज सेफ्टी ब्रिज सेफली। तो ऐसा इनका रिकमेंडेशन है। तो मैं एक सिचुएशन को लेके आपको जब आगे प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। तो आपको चूंकि ये आप वर्कप्लेस से फेमिलियर नहीं है इसलिए हो सकता है आपको बहुत सारे चीज़ समझ में नहीं आता हो, लेकिन जब ये वर्कप्लेस आपको पहले से बता दीजिए कि उस वर्कप्लेस पे क्या हो रहा है और तब आपको पूरा का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा।
तो अब आपने ये परचेज ऑफ मोबाइल ब्रिज टू अलाउ मैकेनिज्म, ये जो आपने कहा, तो इसके लिए आपको एक टाइम स्केल देना पड़ेगा। ये आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि टाइम स्केल क्या होनी चाहिए। प्रैक्टिकल टाइम स्केल देना है। इसको टाइम स्केल कैसे देते हैं, इसको जो है IGC 1 में मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार इसमें क्लियर कर दूंगा। टाइम स्केल फॉर फर्दर एक्शन टू बी कम्प्लीटेड, इसको 2 मंथ का टाइम दिया गया है, और इस काम के लिए भी 2 मंथ का टाइम दिया गया है, और इस काम के लिए भी 2 मंथ का टाइम दिया गया है फॉलोइंग द परचेज ऑफ द ब्रिज। तो ये टाइम स्केल दिया गया है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जॉब रोल, तो वहाँ का वर्कशॉप और स्टोर का जो मैनेजर है फॉर ऑल एक्शन, ये तीन ऑल थ्री एक्शन जो है उसके लिए वर्कशॉप एंड स्टोर का जो मैनेजर है वही रिस्पॉन्सिबल है। ये सारा प्रोक्यूरमेंट और परचेजिंग वही करेगा। तो ये हुआ 1 to 6 कॉलम का पूरा डिटेल्स। तो आई होप एक आपको जनरल आइडिया मिला होगा। मैं जब एक प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा आपको, ऑलरेडी निबोस ने एक सैंपल दिया है, मैं उसी सैंपल को डिस्कस करूंगा, ताकि जो है ज़्यादा मतलब कि रियल और मतलब कि जो उस वो रिकमेंड कर रहा है और जो आप करेंगे उसमें ज़्यादा गैप ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि रिस्क असेसमेंट आपको मिनिमम 10,000 होने चाहिए, किससे, लिस्ट 5 कैटेगरीज, ठीक है ना। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपना प्रैक्टिकल तैयार करने में लग सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप, यानी कि थर्ड स्टेप क्या है, पिक द 3 हाइएस्ट आपको है, जिसे मैंने 2 स्टेप कम्प्लीट कर लिया, डिस्क्रिप्शन हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया। अब आपको प्रायोरिटाइज 3 एक्शन विद द जस्टिफिकेशन। आपने 10,000 चुन लिए, मान लेते हैं कि आपने 10, जैसे मैंने बोला था एटलीस्ट आपको 10,000 चुनने हैं, और 10,000 चुनने के बाद उसमें से 3 को जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया, मतलब कि जिसको अगर नहीं किया गया तो कुछ हो सकता है घटना, जिसको बहुत जल्दी करने की आवश्यकता होगी, हाई रिस्क है वहाँ पर, ऐसे चीज़ों को हाईएस्ट प्रायोरिटी में देते हैं, और मोस्ट अर्जेंट एक्शन नीडिंग अटेंशन, ऐसा को हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो इसमें आपको कैसे चुनना है, तो इसको आपको चुनने के लिए मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट देना है, यानी कि अगर आप नहीं इस ये काम करते हैं तो ये लोगों को परेशानी होगी, उनके घर वाले को परेशानी होगी, आसपास के सोसाइटी को परेशानी होगी। जिस तरह के आप मोरल रीजन दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे मोरल रीजन भी दिए रहते हैं, तो आप पढ़ेंगे, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लीगल देने हैं, यानी कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लिफ्टिंग टूल्स है, उसका इंस्पेक्शन आप नहीं करवाते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं, आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट मतलब लीगल एक्शन हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों को आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, ILO का रेफरेंस देना है, ILO का जो कन्वेंशन रिकमेंडेशन ये जो है इसका रेफरेंस देना है। और आप चाहें, ये कंपल्सरी नहीं है, बट यू मे ऑल्सो इंक्लूड कंट्री स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, बट दिस विल नॉट बी मार्क्ड। यानी कि आप चाहें तो जैसे कि आपके हर कंट्री में फैक्ट्री एक्ट होता है, और हर कंट्री में जो है आपको बहुत सारे लेजिस्लेशन होते हैं, जैसे इंडिया में तो बहुत सारे हैं, तो उस तरह का आप जो है वहाँ से ये कर सकते हैं, जैसे बॉयलर एक्ट है, जैसे पेस्टिसाइड एक्ट है, जैसे कि फर्टिलाइज़र एक्ट है, एक्सप्लोसिव एक्ट है, तो बहुत सारे एक्ट हैं यहाँ पे। तो आपको कहीं भी लग रहा है ऐसा वायोलेशन है तो उस एक्ट का आर्टिकल वाइज जो है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसका नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको मैं कहूँगा कि आप फोकस किस पे करेंगे, तो यू हैव टू फोकस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन एंड कोड्स, ये 3 चीज़ों पे आपको जो है फोकस करने हैं, और वहाँ का आर्टिकल नंबर और उसका स्टेटमेंट वहाँ पे लिखना है, जिससे कि क्लियर हो पाए। कंसीडर ऑफ द लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ के एक टेबुलेट किया गया है यहाँ पे कि असेसमेंट सेक्शन, यानी कि Part 3, इसमें आपको असेसमेंट 3 को आपको एक्शन को क्या करना है, जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन करना है, और 3 एक्शन हैज़ बीन सिलेक्टेड, और इसमें क्या है आपको 3 रीज़न देने हैं, मोरल, लीगल, फाइनेंशियल आर्गूमेंट करना है कि ये आप अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, आपको ये सारे चीज़ जैसे कि लीगल एक्शन हो सकते हैं, मोरल हो सकते हैं, फाइनेंशियल जो भी है, और कंसिडरेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी, अगर ये नहीं किया जाता है तो क्या मतलब पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है,
मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपको वहाँ पे लिखना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन इज लाइकली टू बी इन द कंट्रोलिंग। साथ में जो आप कंट्रोल मेजर ले रहे हैं वो आपको ये करना है वहाँ पे जस्टिफाई करना है कि ये कैसे जो है वो उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से इफेक्टिव है। तो ये सी चीज़ जो है आप करेंगे। उसके बाद जो है ये उसी का पार्ट है। तो आइए अब चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट क्या करता है, लास्ट पार्ट है आपको रिव्यू कम्युनिकेट एंड चेक। तो ये क्या करता है, सेट ए रियलिस्टिक रिव्यू डेट फॉर द रिस्क असेसमेंट एंड से व्हाई यू हैव चूजन द रिव्यू डेट। आपको एक रिव्यू डेट डालने हैं। रिव्यू मतलब क्या है, जैसे कि आपने आपको बताया था मैंने अपने लेक्चर में कि जब पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें लास्ट में एक रिव्यू डेट डालते हैं, जो कि रिव्यू डेट जो है जनरली 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है। तो उसी अनुसार जैसे कि हर उसका 1 साल का रिव्यू दिया तो उस आपको डिसाइड करना है कि रिव्यू डेट क्या रखा जाए। तो जनरली आजकल मतलब पॉलिसी 1 साल की रिव्यू डेट होती है तो आप 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो आप जनरली पॉलिसी का ही, इसमें तो मैं देखा वो पॉलिसी का ही रिव्यू डेट दिए हैं ताकि जब पॉलिसी रिव्यू होगी तो ये भी रिव्यू होगा, यानी कि 1 साल का आप दे सकते हैं। और आपको जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पॉलिसी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चीज़, तो इसीलिए 1 साल से ज़्यादा नहीं रखना है। You have chosen the review date और indicate how the finding of the risk assessment are to be communicated। अब आपने risk assessment तो कर लिया, आपने report बना लिया, तो risk assessment को कैसे communicate करना है, यानी कि verbal और written, ये देखना है। आजकल जैसे email वगैरह करते हैं कि भाई आप ये पाया गया है, तो email का भी use करते हैं, notice board का use कर सकते हैं, आप meeting कर सकते हैं, और who needs to know the information, किसे जानने की आवश्यकता है। आपने तो रिपोर्ट बना दिया लेकिन किसे किसे बताने की आवश्यकता है, कौन इस पर एक्शन लेगा उसको तो जानना ही जरूरी है। तो इंडिकेट हाउ यू विल फॉलो अप ऑन द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द एक्शन हैव बीन कैरिड आउट, यानी कि आपको ये करना है कि फॉलो अप लेने हैं, यानी कि ये जाँच करते रहना है कि रिस्क असेसमेंट जो है एक्शन हैव बीन कैरिड आउट, यानी कि जो एक्शन है वो हो रहा है कि नहीं। यानी कि आपने तो रिकमेंडेशन दे दिया कि ये काम करने हैं, इस टाइम के अंदर करना है, आपने एक टाइम स्केल भी दे दिया, बट ये हो रहा है कि नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। आपको फॉलोअप लेना है कि जैसे आपने 2 महीने का टारगेट दिया तो आपको पहले से ही उसको रिमाइंडर देना है कि देन जो भी मैनेजर है वहाँ के ABC, तो उनको आपको पहले से ही रिमाइंडर देना है कि यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्शन बिफोर दिस डेट। ऐसा करके आपको रिमाइंडर वगैरह देने हैं और आपको मीटिंग करने हैं जिससे सर्कुलेट हो जाए। तो आप जो भी करेंगे आप एक आइडिया ले लेंगे, और आइडिया लेने के बाद आप खुद जो है एक इस असेसमेंट को बनाएंगे। जब आप पूरे रिव्यू कम्युनिकेट एंड चेक का जो आप फॉर्मेट फिलअप करेंगे तो वो सब चीज़ लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखने हैं उसमें, लेकिन लिखना तो आप ही को है, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि आप जो है समझ जाएं कि क्या क्या लिखना है। तो इसको टेबलेटेड फॉर्म में यहाँ दिया गया, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे पहले क्या है, द लर्नर मस्ट गिव ए रियलिस्टिक रिव्यू डेट फॉर द रिस्क असेसमेंट एंड से व्हाई दे हैव चूजन दैट डेट। दूसरा है, द लर्नर मस्ट इंडिकेट हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड एंड इंक्लूड हु नीड टू नो द इन्फॉर्मेशन। तो आपको कैसे ईमेल करने हैं, मीटिंग करने हैं, आपको कैसे करना है ये आप समझिए, पोस्टर लगाने हैं, बैनर लगाने हैं, आप कैसे कर सकते हैं ये डिपेंड अपॉन यू, लेकिन आपको रियलिस्टिक यहाँ पे देना है। द लर्नर मस्ट इंडिकेट हाउ दे विल फॉलो अप, कैसे वो फॉलो अप लेंगे, मतलब कैसे जांच करेंगे काम हुआ है कि नहीं, तो ईमेल से करेंगे, जैसे भी है रिमाइंडर देंगे, जाके देखेंगे, जो भी है। मैं एक जब रिपोर्ट आपको प्रैक्टिकल सैंपल आपको दिखाऊंगा ना तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सब माइंड में आप रखेंगे तब। तो रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द Identified action have been carried out। तो ये सब चीज़ जो है आप देखा कि ये पार्ट, ये 4 पार्ट में जो GC रिपोर्ट है वो था, और चारों पार्ट जो है में क्या क्या लिखने हैं तो ये इसमें दिया गया था। तो आपको जो है ये सब चीज़ अगर आप सही से करते हैं तो हमें लगता है कि आपका GC रिपोर्ट तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। और सैंपल जो मैं आपको ये बनाऊँगा इसका नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आप वो सैंपल देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।